हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हम आप सभी के साथ में यहाँ पर एक अपडेट को लेके, एंड अपडेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने यहाँ पर CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। साथ ही उनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। तो अभी यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस है वो आपका है काउंसलिंग को लेके, कि काउंसलिंग आपकी किस ऐसे होगी, कितने फेज़ में आपका काउंसलिंग होने वाला है। साथ ही अगर आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत कम आए हैं तो आपको कौन सी काउंसलिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट करना है, इन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को वहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर कर देती हूँ CITS काउंसलिंग का जो पूरा प्रोसीजर उसको लेके। हालांकि आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी वेबसाइट पर मिल चुकी हैं, बट सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छे से समझ लेनी है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर क्या अपना जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपको कराना है। क्लियर है इतनी चीज़ें? तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग को लेके, देखिए फर्स्ट राउंड का जो आपका काउंसलिंग है वो आपका कल से स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 9 अगस्त से आपका काउंसलिंग शुरू हुआ है, एंड 12 अगस्त तक आपका ये काउंसलिंग जो है वो आपका यहाँ पर चलेगा। काउंसलिंग कैसे ऐसे करना है, कैसे ऐसे आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है, कैसे ऐसे आपको फ़ी पेमेंट करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने वाले। तो अगर आप अभी काउंसलिंग कर रहे हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए ताकि चीज़ें आपको यहाँ पर क्या अच्छे से क्लियर हो जाए, एंड बाद में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखिए 13 तारीख को आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा कि आपको कौन सा यहाँ पर NSTI जो है वो अलॉटेड हुआ है। साथ ही उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आपका कराना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है आपका कि देखिए आपको एक NSTI मिल गया है, एंड वहाँ पर जा करके आपको क्या करना है, जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स जिसके बिहाफ पर आपने अपना फॉर्म फिल किया है वो DB प्रोसेस आपका वहाँ पर होता है। तो वो आपका यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी 4 दिन तक चलेंगी। 15 को आपका हॉलीडे है तो आप उसको वहाँ पर स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड का, देखिए जब आपका यहाँ पर काउंसलिंग हो जाता है यानी कि आप DV में एकदम पार्टिसिपेट कर लेते हो तो आपका जो कॉलेज है वो आपका फिक्स्ड हो जाता है, उसके बाद वो आपका परमानेंट कॉलेज हो जाता है। एंड आफ्टर डेट अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज हमारे घर से बहुत दूर है या फिर हम नहीं जा पाएंगे तो वहाँ पर आपको एक ट्रांसफ़र राउंड भी मिलता है, जो कि आपका क्या है 19 अगस्त को यहाँ पर होगा। उस ट्रांसफ़र राउंड में आप पार्टिसिपेट करके अपना जो ट्रांसफ़र है वो वहाँ पर करवा सकते हो। उसके बाद आपका 20th को जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड फेज़ की, देखिए सेकेंड फेज़ काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि फर्स्ट फेज़ में जितनी भी आपकी काउंसलिंग हुई है उसके बाद जितनी भी आपकी सीटें बची हुई हैं उनको लेके आपका यहाँ पर क्या है काउंसलिंग राउंड होता है। तो फर्स्ट राउंड के बाद आपका सेकेंड आएगा, सेकेंड भी सेम आपका क्या है 3 दिन तक चलेगा। उसके बाद आपका फिज़िकल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट रहेगा यहाँ पर, एंड उसके बाद आपका यहाँ पर क्या है ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड। देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर आपको क्या है हर राउंड के बाद आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा है, जिससे आपके लिए बेनिफिट ये है कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट कर लेते हो तो उसके बाद आप अपना जो ट्रांसफ़र है अपने नियरेस्ट कॉलेज के पास भी करवा सकते हो, अगर सीट्स यहाँ पर बचती हैं देन। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या है थर्ड राउंड को लेके, कि थर्ड राउंड जो है वो आपका यहाँ पर क्या है आपको मिलेगा, वो आपका 1 से 3 सितंबर तक सेम आपका प्रोसीजर चलेगा, एंड एट द लास्ट आपका यहाँ पर क्या है 9 सितंबर को ये पूरी थर्ड जो काउंसलिंग है वो आपकी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद आपका होता है स्पॉट एडमिशन या फिर आप बोल सकते हो वॉक एडमिशन, जिसमें आपको क्या करना होता है डायरेक्ट जाकर एडमिशन लेना होता है, बट कंपलसरी ये होता है कि हमने CITS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ पर दिया हो। तो एक चीज़ क्लियर है, 9 से 10 तक आपकी क्या है स्पॉट राउंड काउंसलिंग चलती है, एंड इनमें क्या है कि उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है जो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है आपका काउंसलिंग को लेके। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर होंगी, एंड काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को यहाँ पर लिखते ज़रूर रहिए, मैं सारे आपके कमेंट्स देखती हूँ। तो आपका जो भी डाउट्स होगा या वीडियो में कवर नहीं होगा उसका रिप्लाई आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आपका वो आपका यहाँ पर क्या है मार्क्स को लेके।
काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर मैसेज किए हुए हैं, कमेंट्स करते हैं कि मार्क्स जो हैं वो बहुत कम हैं, ठीक है, उनको एडमिशन मिल पाएगा या फिर नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, या फिर आपको किस काउंसलिंग राउंड में आपका क्या है कि पार्टिसिपेट करना चाहिए। मार्क्स कम है कोई बात नहीं, मार्क्स कम है आप अपने कैटेगरी चेक कीजिए। देखिए अगर आपके मार्क्स यहाँ पर क्या है 50+ भी हैं, ठीक है 50+ है, या फिर आपका क्या है 60+ भी हैं आपके मार्क्स, तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है 60+ में आपको क्या है कॉलेज मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पर क्या है कंडीशन ये है कि आपको हो सकता है कि आपका जो नियरेस्ट कॉलेज हो, जो आपके होम टाउन से क्या है नियरेस्ट हो, वो शायद आपको ना मिल पाए। बाकी यहाँ पर क्या है अगर आपके मार्क्स 50 भी हैं ना तो भी आपको यहाँ पर क्या एडमिशन मिलता है, क्योंकि देखिए सीट्स काफ़ी हैं आपकी और 60+ मार्क्स अगर आपके हैं तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट ज़रूर होगा। तो देखिए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना इस चीज़ को आप ज़रूर कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट और यहाँ पर सजेशन आपके लिए यही है कि अगर आपके 60 से अबव मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर क्या है फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपके पास ऑनलाइन ट्रांसफ़र राउंड भी है, ठीक है, उसके बाद आपके पास सेकेंड काउंसलिंग राउंड भी है और थर्ड काउंसलिंग राउंड भी आपके पास यहाँ पर आपको मिलेगा। तो आप पार्टिसिपेट करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं एडमिशन लेना है या फिर नहीं चीज़ें करनी सेकेंड राउंड में करूँगा, तो आप सेकेंड राउंड के लिए भी वेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको एडमिशन मिलेगा नहीं, तो आपको एडमिशन मिलेगा इस चीज़ की आप बेफिक्र रहिए। हाँ अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, बहुत कम का मतलब ये है कि 30 हैं 40 हैं आपके मार्क्स, तो फिर आप वेट कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन ले सकते हो जाकर, क्योंकि अगर सीट बचती हैं तो आपको वहाँ पर क्या एडमिशन मिल जाएगा। वैसे आपका जो मिनिमम आपका यहाँ पर मार्क्स की बात करते हैं वो आपका 33 है, तो 33 और 40 या 50 तक आपके मार्क्स हैं तो आप डायरेक्टली स्पॉट एडमिशन ले सकते हो जाके। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड। अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। साथ ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप का यहाँ पर लिंक आपको एक्टिवेटेड है, आप वहाँ से ज्वाइन करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, जेन्युइन लगा हो एंड इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो, तो आप वीडियो को कर सकते हैं लाइक एंड शेयर। एंड टेक्नोलॉर को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब, तो आप उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर सकते हैं हिट, ताकि फर्दर काउंसलिंग अपडेट आप तक यहाँ पर लगातार पहुँचती रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेशन के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।